श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जूना पीठाधीश्वर श्री श्री आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज आत्म ज्योति से परिपूर्ण हैं। आनंद पवित्रता एवं पुण्य की आभा से परिपूर्ण अवधेशानंद गिरी जी महाराज सनातन परंपरा की साक्षात मूर्ति हैं। इन्होंने गहन साधना एवं साधु संतों महात्माओं के सानिध्य में परमात्मा एवं परम ज्ञान की प्राप्ति की। अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने अपने प्रवचनों से जीवन दर्शन को समझाया है। जूना पीठाधीश्वराचार्य के श्रीमुख से श्रवण कीजिए प्रवचन सरिता। इसको जानते हो इसका अर्थ क्या है कि जितने रूप हैं सब तेरे हैं, जितने रूप हैं जो यहां दिखाई दे रहा है वो सब तू है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। एक संस्कृत भाषा का बड़ा सुंदर सा शब्द है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको, गुदगुदी होगी। उसका नाम है नानात्व। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जगत का अर्थ है भिन्नता, वैभिन्नता, बहुरूपता, अनेक रूपता, अनेक 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 अनेक, हर पल अनेक, हर पल रूप बदल रहा है। भले ही आपको न दिख रहा हो पर आपकी ऊतक बदल रहे हैं, कोशिकाएं बदल रही हैं, आपके सेल्स, आपके भीतर रक्त कणिकाएं, आप में हर पल कुछ नयापन है, हर पल आप में कुछ नूतनता है। भले ही आप विचार न करें पर सतही अगर आप चिंतन करें तो पाएंगे कि हर सांस आपको नई चाहिए, हर पल। अब पुरानी सांस से जिंदा नहीं रह पाते, अब नएपन की पर जब कभी आप विचार करेंगे तो हर पल तो नई सांस चाहिए आपको। इसे हर चीज पुरानी से काम चलता नहीं, और जब ये बहुत पुराना हो जाता है यही शरीर तो आत्मा इसे त्याग देती है, बहुत पुराना हो गया। इतने नूतनता कि हम अभ्यासी हैं, नयापन इतना चाहिए हमको। जो हम सांस लेते हैं, जो ले रहे हैं सांस, पुरानी से काम नहीं चलता, फिर एक नई सांस चाहिए हमको। तो शास्त्र क्या कहता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। जो कुछ भी यहां है, सृष्टि, स्थिति, संहार, वो सब तेरे से है। तापत्रय विनाशा। जब हम संसार की बात करते हैं तो जैसे संसार की चर्चा करेंगे तैसे एक अनुभूति होती है, और शास्त्र कहते हैं उसका नाम है दुख। जब भी हम संसार की कोई बात लेकर आएंगे, सांसारिक चिंतन लेकर आएंगे, वो आपको उदास कर देगा, आपको खिन्न कर देगा, मुख मलान हो जाएगा। जब भी आप संबंधियों की चर्चा करोगे, कभी तो हर्षित होंगे पर कभी उदास भी हो जाएंगे, कभी तो आप आनंदित होंगे पर कभी खिन्नता भी हाथ लगती है। ये सबका अनुभव है। संसारी स्वभावतः वो नहीं दे पाता जो उससे कल्पना की गई, जो उसमें हमने चाहा। भैया हमारी बात तो छोड़ दो, नानक को भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ। नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। उन्होंने तो पूरा सब बता दिया, सब संसार। महापुरुष एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, जैसे ही जन्म लिया तैसे ही पहली अनुभूति दुख की है। जन्म लेते ही आंखों में आंसू हैं, जन्म लेते ही रोदन है, प्रमोदन नहीं है, उल्लास नहीं है। जन्म के साथ ही जो पहली हमारी अनुभूति है, किसे पूछो तो सही कि जब हम जन्म ले रहे थे तो क्या हुआ हमारे साथ, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी, जैसे हमने जन्म लिया क्या अनुभव हुआ। तो आपको अपने बताएंगे कि आप रो रहे थे उस समय, जन्म के साथ आपकी आंखों में आंसू थे, दाई आपको सहेज रही थी, सब प्रसन्न थे,
आपके रोदन में हम प्रसन्न थे। रोदन तापत्रय विनाशाय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। एक बड़ी अद्भुत फिलॉसफी है संसार की, एक बहुत बड़ा दर्शन है दुख दर्शन। इस पर तो बुद्ध का पूरा दर्शन है, जो बुद्ध की पूरी फिलॉसफी है वो दुख के आसपास घूमती है। वो एक अलग बात है कि भगवान शंकराचार्य की फिलॉसफी आनंद के आसपास घूमती है, वो बिल्कुल एक अलग बात है। उन्होंने कहा किसकी चर्चा कर रहे हो, दुख की, आनंद की बात करो, किसकी चर्चा कर रहे हैं आप, नश्वर पदार्थ की, मरणधर्मा पदार्थ की, देह की चर्चा कर रहे हो। तो देह की चर्चा करोगे, पदार्थों की चर्चा करोगे तो स्वाभाविक है कि दुख होगा, अल्पता आएगी। यो वही भूमा तत्सुखम, शास्त्रों को बहुत अधिक प्रणाम करते हुए एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जगत की चर्चा करोगे तो एक ही अनुभूति आएगी, उसका नाम है अभाव, उसका नाम है अल्पता, उसका नाम है न्यूनता, उसका नाम है रिक्तता, उसका नाम अधूरा है। इसे चौंकाने वाली बात एक ये है कि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कभी पूरा नहीं बना, ये पूरा नहीं, इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस, अभी पूरा नहीं बना है संसार, अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। अच्छा, प्रोसेस में तो हम भी क्या प्रोसेस का हिस्सा है, हम सब भी, हमारा भी जीवन क्या उसी का हिस्सा है, अभी निर्माण का हिस्सा है। हाँ, अभी बन रहा है, तो क्या बन रहा है, अभी शरीर बन रहा है, अभी तो बचपन है, अभी क्या बन रहा है, अभी यौवन आ रहा है, तो बन रहा है, अभी और बन रहा है इसको, अब और क्या बनना है, बन रहा है। अभी भोर आ गई है, अब दोपहर आ गई, अब सांझ आ गई है, ये कब सांझ मिटेगी, ये तो रात आ गई, भाई रात कब तक रहेगी, प्रभात आ गई, ये प्रभात कब तक टिकी रहेगी, भोर आ गई, फिर से दोपहर आ गई, फिर से सांझ आ गई, ये बसंत आकर टिकता क्यों नहीं, क्यों चला जाता है, फिर से ग्रीष्म आएगा, फिर से वर्षा आएगी, फिर से शिशिर आएगा, फिर से शरद आएगा, फिर से शीत आएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान ने कहा अरे अर्जुन ध्यान से देख, कौन सी चीज है जिसमें दुख है, कौन सी चीज में दुख है। तो एक बहुत सुंदर सी बात हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुख उस वस्तु में जो बदल रही है, दुख उस वस्तु में जिसमें चेंज है, चेंज, जो चेंजलेस है, जो बदलेगी नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं है, उसमें दुख नहीं। और जगत का एक नाम है, जगत परिवर्तनशील है। जगत क्या, जगत की सब वस्तुएं, वो हमारी देह क्यों ना हो, वो भी परिवर्तनशील है, उसमें भी बदलना है। तो दुख कब मिट जाएंगे, जब अपरिवर्तनशील सत्य वस्तु का चिंतन होगा। तापत्रय विनाशाय, तो ये कथा क्या है, उस ओर लेकर जाती है जो बदलता नहीं, जो नहीं बदलता। क्योंकि इस कथा का नायक कृष्ण है, इसलिए भागवत के पहले श्लोक में ही भागवतकार ने उसे लाकर खड़ा कर दिया, पहले श्लोक में ही चैन नहीं पड़ा महर्षि वेदव्यास को, और एकदम लाकर कहने लगे श्री कृष्णाय वयम नमः। वो जो रसराज हैं वो तापत्रय विनाशक है, उसके नाम में आनंद है, ईश्वर ही सुख का मूल है, ईश्वर में ही परम प्रेम है, प्रसन्नता है, पवित्रता है, उसी में एकमात्र आश्रय है। इसे यूं ही हाथ उठ जाते हैं विपत काल में, दुरावस्था में। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियो कॉन D2H के लिए
484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।